नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ANI ऑनलाइन के एक रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ANI न्यूज एजेंसी है जिसे आप सब लोग जानते ही होंगे। और ANI की रिपोर्ट्स की माने तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, कतर को राफेल एयरक्राफ्ट फरवरी में ही डिलीवर किए गए हैं। और कतर के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग फ्रांस के डसॉल्ट फैसिलिटी में नवंबर में चल रही थी। तो इसी दरमियान कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी ट्रेनिंग के दौरान कुछ पाकिस्तानी पायलट्स ने भी इस ट्रेनिंग में शिरकत ली है। और जब इस बारे में इंडिया के ही एक मीडिया हाउस NDTV ने डसॉल्ट एविएशन इंडिया के CEO से पूछा कि ये न्यूज कहां तक सच है, तो इस बारे में किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने देने से इनकार किया है। हालांकि इस पूरे वाक्या को लेके रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन भी इशू किया गया है अभी मीडिया हाउस की तरफ से डसॉल्ट एविएशन को। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कतर ने डसॉल्ट राफेल को खरीदने के लिए जो डील है वो मई 2015 में साइन की थी, और उसके अंतर्गत तकरीबन 24 डसॉल्ट राफेल खरीदे जाने थे और उनको फरवरी में पहला डसॉल्ट राफेल डिलीवर कर दिया गया है। जैसा कि ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तानी जो पर्सनल्स है, एयरफोर्स पर्सनल्स या फिर आर्मी पर्सनल्स, वो डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ, चाहे वो कतर हो या जॉर्डन हो। इन सभी मिडिल ईस्ट कंट्रियों के साथ डिफरेंट तरह के स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट्स ये लोग शेयर करते रहे हैं पास्ट में। जैसा कि आप सबको 2016 की डील पता ही होगी जो कि काफ़ी न्यूज में रहा है हाल ही में, जिसके अंतर्गत तकरीबन 13 F-16 ए और बी जॉर्डन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं। तो इस तरह के डील्स और इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी पर्सनल्स का पास्ट में रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो अब जान लेते हैं कि कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है किसी भी पाकिस्तानी पायलट का राफेल जैसे फाइटर के आसपास होना, जो कि इंडिया एक अच्छे अमाउंट में प्रोक्योर करने की सोच रहा है। हालांकि इंडिया को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फाइटर्स इंडिया डसॉल्ट से ले रहा है वो सभी राफेल्स काफ़ी अच्छी तरह से कस्टमाइज किए गए हैं इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो उस एयरक्राफ्ट का दिल है, या जिसे आप ब्रेन कह सकते हो, उस एयरक्राफ्ट का जो रडार है वो सेम ही है सभी एयरक्राफ्ट के लिए, चाहे वो कतर के पास हो या फिर इंडियन एयरफोर्स के पास हो। और वो रडार है RBE-2। तो अगर इस रडार पे हमारे दुश्मन के पायलट्स ने ट्रेनिंग की है, तो उनको इन रडार्स में कौन कौन से मोड दिए गए हैं, ये रडार्स कितनी दूरी तक ट्रैक करने में सक्षम है टारगेट्स को, कितने टारगेट्स को इंगेज कर सकता है एक्चुअल में, या फिर सी और लैंड पे कितने टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन और इसमें जितने तरह के मोड्स दिए गए हैं इस रडार पे, वो सभी दुश्मन जान पाएंगे, उनके पायलट्स जान पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं इस रडार की एक्यूरेसी और प्रिसीजन वैल्यू को दुश्मन के सामने लाता है, जो कि किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिहाज से सही बात नहीं है। और इतना ही नहीं, किसी भी राफेल एयरक्राफ्ट की जैमिंग सिस्टम किस तरह की है, कितना रोक सकती है दुश्मन के जैमर्स को, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो अंदाज़ा लगा पाएंगे अगर उन्होंने इस प्लेन को फ्लाई किया है तो। ये ठीक उसी तरह हो जाएगा कि अगर चाइना को मिल जाए कि वो F-35 या फिर F-22 उड़ाने को मिल जाए, तो ठीक है, उसी तरह का केस है इंडिया और पाकिस्तान के लिए। तो इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशंस जो कि दुश्मन के पास पहुंच जाना वो खतरे से खाली नहीं है, और ये एक क्रिटिकल विषय है इंडिया के लिए, और इस बारे में डसॉल्ट एविएशन को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हालांकि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है इसको लेके फ्रांस के अम्बेसडर ने इस न्यूज़ को सिरे से खारिज किया है, और उनका मानना यह है कि ये न्यूज़ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो अभी ये स्टेटमेंट फ्रांस के एम्बेसडर की तरफ से आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इस बारे में डसॉल्ट एविएशन कब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करता है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।